नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग एमपी स्पेशल को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो पिछले लेक्चर में देख चुके थे हम लोग एमपी स्पेशल सामान्य के जो टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, उन सभी को देख चुके थे। अब बात करेंगे इसमें मध्य प्रदेश के सामान्य जानकारी के बारे में। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी देखते हैं हम लोग। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़। याद रखिए, टीकमगढ़ से 52वां जिला, 52वां जिला बना है निवाड़ी। ठीक है, अलग टीकमगढ़ से अलग हुआ है वो, याद रखने से। छतरपुर है, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, दमोह, सागर, विदिशा, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल। ठीक है, ये सभी हैं। जबलपुर, बालाघाट देख लेना, बुरहानपुर। ठीक, बात करते हैं हम लोग यहाँ सामान्य जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले राज्य का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश दिवस। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप राज्य का कब आया, गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ को अलग करके। ठीक, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? तो याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश नाम दिया था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया? तो याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश भी कहा है। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या साहेब बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई केचर भी बोलते हैं इसे। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या साहेब बुलबुल है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? वारहसिंघा, बेडरी जाति का। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? लीली। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब, याद रखिए मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य क्या है? माच। मध्य प्रदेश का राज नृत्य क्या है? राई। मध्य प्रदेश की राज्य फसल क्या है? सोयाबीन, सोया प्रदेश भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को, याद रखना। राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, वट वृक्ष। राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत जो राजकीय प्रतीक चिन्ह अपनाया, उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताओं दोनों को महत्व दिया गया है। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावना का द्योतक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें और धान की बालियां भी अंकित हैं इस चिन्ह में। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंहाकृति और राजवृक्ष वरद को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के उपनामों की बात करें तो नदियों का मायका भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। सोया बीन राज्य बोला जाता है, हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। तो नदियों का मायका सोया राज्य, हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें हम लोग, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद कर लेना, 308,252 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जिलों की बात करें तो जिले हैं मध्य प्रदेश में 52, 51 पहले थे, एक निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर 52 हो गए। तहसीलों की बात करें तो 364, विकासखंड 313, आदिवासी विकासखंड 89, ग्रामों की बात करें
476 है कुल शहर नगर, कुल ग्राम 55,393 है, आबाद ग्राम 52,143 है, नगर निगम 16 है, नगर पालिकाएँ 100, नगर पंचायतें 264, ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायतों की बात करें ग्राम पंचायतें हैं 23,040, जनपद पंचायतें हैं 313, जिला पंचायतें हैं 51, जोन आईजी पुलिस है 11। तो याद रखिए जोन आईजी पुलिस हैं 11, रेंज डीआईजी पुलिस हैं कितने 15, कंट्रोल रूम है 53, पुलिस थाने कितने हैं 1035, पुलिस चौकियां क्या हैं 562, पुलिस उप संभाग हैं 179, पुलिस जिले कितने हैं 51, लोकसभा सीटें कितनी हैं एमपी में 29, राज्यसभा सीटें कितनी हैं 11, लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 प्लस 1 मतलब 230 जनता से चुनते हैं डायरेक्ट और एक जो होता है इसे राज्यपाल चुनता है। लोकसभा सीटों में आरक्षण तो अनुसूचित जाति के लिए 4 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है। याद रखिए लोकसभा सीटों में आरक्षण में अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए हैं 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 6 सीटें। विधानसभा सीटों में आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति या एससी के लिए हैं 35, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 47, कितनी है 47, 47 47 हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है जबलपुर, मध्य प्रदेश न्यायालय की खंडपीठ क्या है इंदौर एवं ग्वालियर, राज्य का पूर्वी जिला क्या है सिंगरौली, ठीक है ये हो गया, यहाँ पूर्वी जिला क्या है सिंगरौली, पश्चिमी जिला यहाँ अलीराजपुर हो गया, दक्षिणी जिला बुरहानपुर यहाँ है बुरहानपुर, उत्तरी जिला मुरैना और मध्य जिला सागर, बीच में सागर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कूड़ेदान मुक्त शहर हो गए पन्ना, सैलाना, कुशीनगर, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की बात करें तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर हैं, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले घटते क्रम में तो बालाघाट, भिंड, नरसिंहपुर। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से, बालाघाट, भिंड, वो फिर है नरसिंहपुर। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में तो अलीराजपुर, फिर उसके बाद झाबुआ, फिर बड़वानी, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है बालाघाट में, याद रखिए। फिर है न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर अलीराजपुर। शहरी साक्षरता दर, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं सिवनी, हरदा, मंडला, जबलपुर और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले शिवपुर, टीकमगढ़, सिंगरौली। तो याद रखिए शहरी साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कहाँ है सिवनी में और सबसे कम शिवपुर में। मुख्य न्यायाधीश याद रखिए न्यायमूर्ति अजय मानिक, मानिक राव खानविलकर, ये 22वें हैं, वर्तमान के नहीं है लेकिन। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता रहे थे आप लोगों को, मुख्य न्यायाधीश हैं जो न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर, ये 22वें थे याद रखना, जो 25वें हैं करंट में 2019 की बात कर रहा हूँ दिसंबर की, तो 25वें हैं अजय कुमार मित्तल, ठीक है अजय कुमार मित्तल याद रखिए
25वें हैं, अजय कुमार मित्तल 2019 की बात कर रहा हूँ दिसंबर। विधानसभा एमपी की एक सदनात्मक है। वर्तमान में राज्यपाल हैं यहाँ के लालजी टंडन, करंट में 2019 की बात कर रहा हूँ। जब ये किताब प्रिंटेड हुई होगी तब थे राम नरेश यादव। 2019 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, लालजी टंडन हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल। मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह थे तब, लेकिन करंट की बात करें तो कमलनाथ हैं सीएम यहाँ के, ठीक है, मध्य प्रदेश के 2019 की। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो श्री सत्यदेव कटारे थे शिवराज सिंह चौहान के टाइम में, लेकिन अभी करंट में गोपाल भार्गव। नेता प्रतिपक्ष कौन है 2019 में? गोपाल भार्गव। विधानसभा अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह के टाइम थे श्री सीताराम सीताशरण शर्मा, लेकिन वर्तमान की बात करें तो है 15वीं विधानसभा के नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ठीक है। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के समय थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार, लेकिन अभी 2019 में कमलनाथ के समय सुश्री हिना लिखीराम कनवारे, ठीक है। मुख्य सचिव की बात करें तो यह सुधीर रंजन मोहंती, वर्तमान में 2019 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुधीर रंजन मोहंती हैं, और ये किताब जब प्रिंटेड हुई थी तब थे श्री एंटोनी जेसी डिसा। तो आपको याद रखना है सुधीर रंजन मोहंती 2019 में। मध्य प्रदेश में नामित सदस्य की बात करें तो लॉरेंस बी लोबो ये थी, लेकिन अभी करंट का पता नहीं है, इसलिए देख लेना। जो भी आपको लगे कि गलत है, मैं गलत बता रहा हूँ, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वित्त आयुक्त श्री हिम्मत कोठारी, और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त हैं अभी 19 की बात करूँ तो एन के गुप्ता, और ये थे पी पी नावलकर थे शिवराज सिंह के टाइम। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो अभी करंट में 2019 में कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला, पहले थे श्री के डी खान। तो याद रखिए, सब फिर से देख लेते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला। मुख्य लोकायुक्त कौन है वर्तमान में? एन के गुप्ता। मुख्य सचिव कौन है? यह सुधीर रंजन मोहिती। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है मध्य प्रदेश के? ये सुश्री हिना लेखीराम। अध्यक्ष कौन है विधानसभा के वर्तमान में 2019 की बात कर रहा हूँ तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति। प्रतिपक्ष नेता कौन है 2019 में करंट में? गोपाल भार्गव। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कमलनाथ, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये 2013 के चुनाव के डाटा है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को 165 सीटें मिली थी तब, और कांग्रेस पार्टी को 58 सीटें मिली थी, बीएसपी अन्य को दलों को 7 सीटें मिली थी। लेकिन हम 2018 की बात करें, अभी 15 विधानसभा वाली 2018 में जो हुआ है चुनाव उसके बारे में बात करें तो 114 सीटें किसे मिली? कांग्रेस को कितनी मिली थी तब? मिली थी 113 में मिली थी 58, अब की बार मिली है 114 सीटें, ठीक है। बीजेपी को कितनी मिली है? 109 सीटें मिली हैं बीजेपी को, ठीक है। और बीएसपी को कितनी मिली है? इसे मिली हैं 2 सीटें। एसपी को कितनी मिली हैं? एसपी को 1 सीट मिली। और अन्य निर्दलीय कितने हैं? 4 हैं निर्दलीय, ठीक है, याद रखिए। 2018 वाले विधानसभा में 114 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, 109 सीटें मिली हैं बीजेपी को, 2 सीटें मिली हैं बीएसपी को, 1 सीट मिली है एसपी को, और 4 सीटें मिली हैं अन्य दल को, ठीक है। तो ये था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। जो भी करंट मुझे मालूम चले वो बताते रहेंगे, लेकिन याद रखना आप लोग भी करंट से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम ये जो सामान्य ज्ञान देख रहे हैं ये पुरानी प्रिंटेड किताब है, ठीक।
तो जो बदला है उससे अगर मुझे पता है तो मैं बताता रहूँगा, और अगर नहीं तुम्हें लगता है गलत है तो देखते रहिएगा, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राज्य पुनर्गठन के बारे में, ठीक है, राज्य पुनर्गठन के बारे में देखेंगे हम लोग आगे।